हेलो फूडीज़, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपना संडे लंच शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सभी से ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कुकिंग। सबसे पहले मैंने एक मीडियम कटोरी दाल और दो मीडियम कटोरी चावल सोख होने के लिए रख दिया है। जब तक ये अच्छी तरह से सोख होते हैं तब तक हम अपनी दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। आज मीठे में मैं बनाऊंगी आमरस। तो आमरस को धो लिया है, उसको अच्छी तरह से पील कर लेना है, उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना। चीनी ऐड करें, थोड़ा सा पानी ऐड करें, उसके बाद इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें और आपका आमरस रेडी है। दाल और चावल के साथ मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, तीन मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, एक गांठ अदरक की, दो हरी मिर्च और पांच छह कलियाँ लहसुन की। अदरक को घिस लेना है क्योंकि ये अदरक थोड़ी फाइबर वाली है, तो इसको मैं घिस के यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं ये जो मैंने प्याज लिया है इसको काट के डाल दूँगी और इन दोनों का, टमाटर का और इसका, अलग अलग पेस्ट बना लूँगी। साइड डिश में मैं रायता बना रही हूँ, तो दही को मैं छान ले रही हूँ। रायता मैं बूंदी का बनाने वाली हूँ, बेसन की बूंदी का, तो थोड़ी सी बूंदी ऐड कर दी। उसके बाद मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी। दही के खट्टेपन में थोड़ी सी चीनी रायते में बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ मैं भुना पिसा जीरा, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा काला नमक ऐड करूंगी। तो काला नमक मैं इस तरह से हमेशा पानी में घोल के डालती हूँ, उसमें छोटे छोटे से कंकड़ आते हैं तो वो हमेशा तली में बैठ जाते हैं, उसके बाद यूज़ करती हूँ तो वो कंकड़ नहीं जाते खाने में। तो बस अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और रायता हमारा रेडी है, उसको साइड में रख दें। तो यहाँ पर हमारी दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है। डिफरेंस मैं दिखा दूँगी, देखिए साइज़ में ये डबल हो जाती है ना। तो हमेशा दाल को भिगा के यूज़ करिए, ये पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने दाल अपनी डाल दी। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, करीब तीन ग्लास, ये जो मैंने ग्लास लिया है इसके जितना, तीन ग्लास। उसके साथ ये मैं, ये जो कच्ची केरी होती है ना उसको सुखा के उसमें मसाला वगैरह लपेट के खटाई बनाई जाती है, ये मेरी मम्मी के हाथों की है, वो हमेशा मुझे बना के देती हैं तो मैं कभी घर पर नहीं बनाती। उसके बाद मैंने थोड़ा हल्दी, नमक और घी डाला है। ये चावल को भी चढ़ा देते हैं। चावल मैंने जैसे कि दो कटोरी लिया है, दो नॉर्मल कटोरी, उसमें मैं दो ग्लास के लगभग पानी डाल रही हूँ, दो ढाई ग्लास के लगभग, और थोड़ा सा घी और नमक डाल के इसे चढ़ा। दो सीटी में हमारी दाल कुक हो गई। चावल को मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर इस तरह से बनाते हैं तो चावल बड़े खिले खिले से बनते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही इस तरह से झाग बनने लगे आप लिड को फ़ौरन हटा दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा पानी रह गया है चावलों में, तो आप उसको एक बार चला दीजिए और फिर से लिड लगा के गैस को बिल्कुल सिम करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। एकदम खिले खिले चावल बन जाएंगे। अगर ज़ीरा राइस बना रहे हैं तो थोड़े से घी में ज़ीरे का तड़का देके डाल दीजिए और थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए। दाल में भी मैं सिर्फ हींग और ज़ीरे का तड़का दे रही हूँ। तो चलिए अब बारी है मटर पनीर की सब्ज़ी की। एक कढ़ाई में मैंने ढाई टेबल स्पून के लगभग ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैंने उसमें तड़का दिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर का, इससे सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, अदरक लहसुन प्याज का, उसको डाल दिया, भून लेना है। उसके बाद टोमेटो प्यूरी ऐड कर देनी है, साथ ही मैं मटर भी डाल दूँगी। उसके बाद हमारे मसाले जाएंगे। तो मसाले में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला और गरम मसाला, और सबको अच्छी तरह से भून लेना है। और ये देखिए मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, साथ में मैं पनीर डाल दूंगी। पानी आप अपने हिसाब से डालें, जिस हिसाब की आपको ग्रेवी चाहिए। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और बस कुछ ही मिनटों में सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। चटनी के बगैर तो हमारे यहाँ भोग भी नहीं लगता। तो चटनी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा टमाटर, तीन चार कलियाँ लहसुन की, थोड़ी सी धनिया, नमक स्वाद अनुसार, तीन हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लिया। ये लीजिए, गर्मा गर्म रोटियाँ भी बनके तैयार हैं। होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे मेरे साथ, आगे मैं इसी तरह की रेसिपीज आप सबके लिए लेके आती रहूँगी। फिर से मिलूंगी मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।